हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा कुशन कवर जो कि मैंने वेस्ट फैब्रिक से बनाया है। और इस कवर को आप भी इजीली घर पर बना सकते हैं अगर आपके पास कुछ कपड़ों के टुकड़े पड़े हो तो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुशन लिया है और इसका एक कवर मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो इसी से हम मेज़रमेंट यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमारे पास ब्लाउज पीस पड़ा हुआ था जो कि वेस्ट था मेरे लिए, तो मैंने इसकी लेस वगैरह जो है ना वो उतार दी है, वो किसी और चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। और ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा हुआ था दुपट्टे का, तो मैंने इसी का यूज़ करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए मैंने दो पीस कट किए हैं इसके लिए। और चारों साइड में मैंने लगभग एक से डेढ़ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको फैब्रिक को लिया है क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी चाहिएगा कपड़ा। और जो ये नीचे वाला फैब्रिक है मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो ऊपर वाले फैब्रिक से, मतलब दो पीस हमने यहाँ पर कट करने हैं। तो मैं सेम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लूँगी यहाँ पर। सेम दोनों पीसेज हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं इस तरह से, ये देखिए। और ये कपड़ा थोड़ा सा खिसकने वाला है मतलब, तो एडजस्ट करके मैं यहाँ पर इसको रख लूँगी। और इसके चारों तरफ सबसे पहले मैं सिलाई लगा लूँगी। सेम ऐसे दोनों पीसेज पर मैंने सिलाई लगा ली है, छोटे वाले पे भी और बड़े वाले पे भी। इसके बाद जो बड़े वाला पीस हमारे पास है इसको हमने यहाँ पर कट करना है, तो इसका एक पार्ट हम थोड़ा छोटा रखेंगे और एक लगभग हम 2 इंच बड़ा, 2 से 3 इंच बड़ा रख लेंगे, 3 इंच लगभग। अगर आपको जो कट चाहिए जहाँ से आप कुशन जो है ना उसमें डालेंगे तो वो बराबर या छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसकी ये साइडें हम फोल्ड कर देंगे एक एक साइड इसकी इस तरह से, ये देखिएगा। चलिए हम मशीन पे चलते हैं, आप दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के लिए आपको पता है हमने पहले ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था, तो इसीलिए रखा था वो एक्स्ट्रा फैब्रिक ताकि हमें जब फोल्ड करना हो तो लगभग 2 इंच के आसपास हमने रखा हुआ था। तो एक एक इंच हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे मतलब। और मैंने ये वाला साइड फोल्ड कर लिया है और जो उसका दूसरा पीस है वो भी हम इसी तरह से एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब इन दोनों को अलग रखते हैं और एक यहाँ पर हम येलो कलर की हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी हमने विड्थ यहाँ पर ली है 5 इंच और लेंथ इसकी हम यहाँ पर 15 इंच रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से विड्थ वाइज। और ये देखिए हमारे नीचे की साइड पर किनारे जाएगी इसलिए हमने डबल फोल्ड किया है इसको। और इधर से हम इसमें चुन्नट डालेंगे, हम सुई की हेल्प से डाल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि फैब्रिक काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको सुई से ही मतलब यहाँ पर इसमें टाके लगा लूँगी लंबे लंबे से। और ये इजली हो जाएगा क्योंकि ये जो धागा है मतलब आराम से खींच लेंगे इसको, तो इसलिए मैं पूरे में इसी से इसमें गैदरिंग कर दूँगी। तो इस तरह से इजी पड़ेगा, कोई भी कर लेगा इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें पूरे में गैदरिंग कर दी है। तो जो हिस्सा हमारा ऊपर की साइड आएगा वो हम लेंगे यहाँ पर और इसको हम सीधी साइड से रख लेंगे मेन फैब्रिक के साइड से। और इसकी किनारी किनारी हम इस तरह से ये फ्रिल लगाएंगे, तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे लगाना है, मतलब इस तरह से आएगी ये बट लगानी कैसे हैं वो अभी हम मशीन पे चलते हैं तब देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अंदर की साइड रखा है मतलब सीधा करके फैब्रिक को, जो हमारा चाकोर वाला पीस था मतलब ऊपर वाला उसके ऊपर रखा है और फिर अंदर की साइड रखी है ना कि बाहर की साइड रखी है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको भी रखना है। तो यहाँ से हम उठा करके तब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे पर इस तरह से। और नीचे के फैब्रिक का ध्यान रखना है, वैसे तो हमने सिलाई लगा ली थी और वो सिलाई इसीलिए हमने लगाई थी ताकि हमारा जो फैब्रिक है ना वो हमारा मतलब इधर उधर ना हो क्योंकि हमने दो फैब्रिक नीचे लिए हुए हैं। तो जी इस तरह से। और ये जो हमने गैदरिंग की हुई है ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप अच्छे से इसमें गैदरिंग कर लीजिए, कम है तो आप छोटे छोटे चुन्नट इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर वही किया है। तो इस तरह से मैं पूरे में इसको अटैच कर लूँगी, तो पूरे में हमने लगा लेना है इसको। तो यहाँ पर ये एंडिंग पॉइंट है तो इनको हम दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए।
और पहले ज्वाइन करेंगे, जोड़ लेंगे इनको दोनों सिरों को आपस में सिलाई करते हुए, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सिलेंगे, मतलब इसके साथ में फैब्रिक के साथ में। तो पक्का यहाँ पे कर लेना है हमने, ये देखिए। और अब इसको अच्छे से किनारी को सेट करते हुए यहाँ पर रखें, तब इसको किनारी इसकी अच्छे से सिल लेंगे। तो बस इसमें यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली बात है कि फैब्रिक हमारा ऊपर और नीचे का इक्वल आए, ऐसा ना हो कि कहीं से हमारा फैब्रिक ऊपर का अलग हो रहा है, नीचे का अलग हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है ये एक तरह से। तो इसको हम अंदर की साइड, ये देखिए मैंने अंदर कर लिया पूरा ये। अब इसके ऊपर से हम अपनी दोनों जो सिरे हमने रेडी किए हैं वो, तो हम उनको रख लेंगे इस तरह से और इस पर सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने एक सिरा रखा है, आप चाहे तो छोटा रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर छोटा रखा है पहले, और उसको मैं इस तरह से किनारे से सिल दूँगी। तो यहाँ पर भी हमने वही ध्यान रखना है कि फैब्रिक हमारा छूटे नहीं, मतलब वैसे तो हमने इसी वजह से किनारे पर जो है ना सिलाई लगाई हुई है, जिससे हमारा फैब्रिक जो है इधर उधर ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमने एक साइड से अटैच कर लिया है। अब जो बड़े वाला पीस है हमारा वो लेंगे हम, और उस पीस को हम ओवरलैप करते हुए रखेंगे इस तरह से, क्योंकि वरना ये अलग अलग रहेगा फिर। और इस तरह से रखेंगे तो ये एक दूसरे के, जब हम ऊपर रख देंगे इसको और फिर सिलाई कर देंगे चारों कोनों पे, मतलब पूरे में सिलाई लगा देंगे हम। और ये देखिए इस तरह से, तो जब हम इसको सीधा करेंगे ना फिर, तो ये हमारा जो फ्रिल है वो बाहर की तरफ आएगी। तो बस यही हमने ध्यान रखना है इसमें फ्रिल लगाते हुए। और ये देखिए हमने यहाँ पर ओवरलैप करके इसको तभी हमने स्टिच किया है। तो हमारी स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। और जो हमारा कुशन है अब हम उसको इसमें डाल करके चेक करते हैं कि हमारा ये सही बना है या नहीं बना है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर पे। और ये वेस्ट फैब्रिक से बनाया है, जैसे आपने देखा, मतलब इसमें कोई भी, मैं मार्केट से बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाई हूँ, और इतना सुंदर लगता है ये रखने के बाद बेड पर, बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये देखिए कम्प्लीट है ये हमारा कुशन बिल्कुल, और कुशन कवर कितना सुंदर बना है। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते